नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पॉन्डेंट टीम में आपका स्वागत है। मेरे साथ है प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कि कांग्रेस की बात रखती हैं और इस समय यूपी में आई हैं। प्रियंका जी, क्या है मन की बात यूपी की? आप तो यूपी में आई हुई हैं। मन की बात बहुत लोग सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। हम काम की बात करने आए हैं। हम यहाँ की युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की महिलाओं को और हर वर्ग को साथ में लेकर चलने को आए हैं। विकास का नया चैप्टर खोलने आए हैं और एक गठबंधन के साथ आए हैं जो सिर्फ विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ मन की बात करते हैं जो विकास, ध्रुवीकरण का विकास वो कर रहे हैं, हम विकास जो करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का सही मायने में करना चाहते हैं। प्रियंका जी, एक सवाल है। स्कैम से शुरू हुआ था चुनाव प्रचार, कसाब तक पहुंचा, गुजरात के गधों ने भी चुनाव प्रचार किया, कहां पर जा रही है राजनीति? सबसे पहला तो सवाल है, सभ्य भाषा नहीं है, कहीं मुद्दे नहीं है। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री, जो वो 31% जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनको छोड़कर अगर देखेंगे वो सबके प्रधानमंत्री हैं, जब वो अपने पद की गरिमा भूल जाते हैं, जब वो भूल जाते हैं कि वो हर वर्ग के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश की जनता को सबका साथ सबका विकास का वादा किया था और फिर वो उतर आते हैं कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति पे, हिंदू मुसलमान पे, तो सच में पूछना पड़ता है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री, क्या यही आपका विकास का वो था मुखौटा बनाकर आपने चुनाव जीते हैं? तो वही हम प्रधानमंत्री को लेकर जो गरिमा गिरी है, जो डिबेट्स की, जो स्पीचेस की, हम तो जब से गठबंधन बना है, अखिलेश जी हों या राहुल जी हों, वो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। और ये जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो बौखलाहटपन दिख रहा है, सामने आ रहा है, वही दर्शाता है कि उनका विकास सिर्फ ध्रुवीकरण का विकास है, हमारा जो विकास है हर वर्ग को साथ लेने का विकास है। एक सवाल ये है कि जो गठबंधन हुआ है सपा के साथ, खोया हुआ जनाधार कांग्रेस लाना चाहती है। 1990 में जब राजीव गांधी ने मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने की बात कही थी और आज जब राहुल गांधी ने ये कही है, तो क्या लगता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो है वो प्रदेश स्तर तक चली गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यहाँ पे हर राष्ट्रीय पार्टी और जो भी राज्य की पार्टियां हैं वो भी काफ़ी सक्षम है राज्यों के तकलीफ़ों को समझने में, किस तरीके से उन पे उन सही विकास की पॉलिसीज लाकर विकास किया जा सकता है। तो अगर एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, एक राज्य जो राज्य की पार्टी है उसके साथ लड़कर चुनाव लड़ेगी, वो विकास के मुद्दों पे लड़ेगी, वही हम कर रहे हैं। लेकिन 27 साल से बेहाल आप कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा प्रवक्ता के लिए कि 27 साल से बेहाल, जब खाटसभा शुरू हुई थी प्रचार, अब अचानक, तब अखिलेश यादव की आलोचना होती थी, अब अचानक उसके कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं, तो मुश्किल होती है? नहीं, देखिए, काफी ऐसे काम थे उनके कार्यकाल में जो हुए हैं और हम चाहेंगे बेहतर हों, और इसलिए ये गठबंधन बना है कि जो जो चीजें वो 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए, गठबंधन के साथ जुड़कर हमने 10 जो हमारे पॉइंट्स हैं, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, नौकरियों को लेकर, जो हमने रखे हैं और हम दोनों के वो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो अगर उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम यही कहेंगे जो हालत भारतीय उत्तर प्रदेश की है उसको एक नई राजनीति की जरूरत है, उसको एक विकास की राजनीति की जरूरत है, उसको ये ध्रुवीकरण अब खत्म करना है, आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, युवाओं को नौकरियां देनी है। हम चाहते हैं हमारे युवा यहीं रहकर अच्छी नौकरियां करें, उतना ही कमाएं जितने लोग मुंबई या बेंगलोर में कमाते हैं। तो हम इस मुद्दे से आए हैं, प्रधानमंत्री ध्रुवीकरण के मुद्दे से आए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उसको इसका जवाब देगी। अमेठी और रायबरेली से बाहर निकल नहीं पा रही है कांग्रेस, क्योंकि जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें अपील की गई है दोनों जनता। नहीं, हम तो बस यही कहेंगे कि वो लोग MPs हैं, हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वहाँ की MP भी हैं, तो उन्होंने अपील की है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपील की है, उस समय पे अपील की है जब वो वोट पे जा रहे, वोट के चरण चल रहा था। तो अगर हम देख रहे हैं राहुल गांधी जी सब जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो ये कहना गलत होगा कि हम सिर्फ अमेठी और रायबरेली में अटके पड़े हैं। कितनी सीटें वो मैं नहीं बताऊंगी, पर ये कह सकती हूँ कि गठबंधन ही वापस सरकार बनाएगा। तो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आभा मंडल ही उत्तर प्रदेश में चमकेगा। आप देखते रहिए कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी।